हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक अग्रवाल। यू कैन जॉइन मी ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इन दिस वीडियो वी विल प्रोवाइड यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट CMA कोर्स, जैसे कि एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स, सब्जेक्ट्स इन ऑल द स्टेजेस, कोर्स फी, रिलेवेंट डेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। First of all, we will discuss about our institute. The official website is www.icmai.in. The Institute of Cost and Management Accountants of India is a professional body of management accountants in India, जिसकी स्थापना 28 मई 1959 को हुई थी under an Act of Parliament. अब हम बात करते हैं CMA कोर्स के बारे में। CMA कोर्स में तीन स्टेजेस हैं, फर्स्ट फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन कोर्स से। एलिजिबिलिटी, क्लास 10th के एग्जाम्स क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, बट एग्जाम में अपीयर होने के लिए उन्हें पहले क्लास 12th का एग्जाम्स क्लियर करने होंगे, तभी वो फाउंडेशन कोर्स में अपीयर कर पाएंगे। एग्जेम्पशन फ्रॉम फाउंडेशन कोर्स, जिन स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का फाउंडेशन कोर्स पास किया हुआ है, उनको CMA का फाउंडेशन कोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जिन स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का इंटरमीडिएट कोर्स पास किया हुआ है, उनको भी फाउंडेशन कोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स ने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है, उनको भी फाउंडेशन कोर्स नहीं देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स फाउंडेशन कोर्स के लिए ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी लगेगी, एज प्रूफ डॉक्यूमेंट लगेगा। इफ़ 10th के बाद रजिस्टर कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, नहीं तो 12th की मार्कशीट लगेगी। फाउंडेशन कोर्स में 4 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, पेपर 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, पेपर 3 फंडामेंटल्स ऑफ लॉज एंड एथिक्स, पेपर 4 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एग्ज़ाम्स एक ईयर में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर। जून टर्म में अपीयर करने के लिए स्टूडेंट्स को 31 जनवरी तक रजिस्टर कराना होगा, और दिसंबर के लिए 31 जुलाई तक रजिस्टर कराना कंपलसरी है। फाउंडेशन एग्ज़ाम में पास होने के लिए ईच पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स और एग्रीगेट 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। फाउंडेशन कोर्स की फ़ी 4000 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरमीडिएट कोर्स की। आइए देखते हैं इंटरमीडिएट कोर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है। ऑल ग्रेजुएट्स एक्सक्लूडिंग परफॉर्मिंग आर्ट एंड म्यूजिक, फाउंडेशन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, CS फाउंडेशन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, CA इंटरमीडिएट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स। इंटरमीडिएट कोर्स में 8 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 6 लॉज एंड एथिक्स, पेपर 7 डायरेक्ट टैक्सेशन, पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। इंटरमीडिएट कोर्स में भी कुछ एग्जेम्पशंस है। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और क्वालिफाइड इंजीनियर्स को पेपर 6, पेपर 9 और साथ ही 100 आवर की कंप्यूटर ट्रेनिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफाइड लॉयर्स के लिए भी एग्जेम्पशन है, उन्हें पेपर 6 देने की ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टूडेंट को एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरी है। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर 3 डेज, कंप्यूटर ट्रेनिंग ऑफ 100 आवर्स। इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन
करने की फ़ीस 20,000 है, जिसे आप दो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। सारे स्टूडेंट को 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है। 6 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद फाइनल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे बोथ ग्रुप में, और बची हुई ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को फाइनल के बाद करनी कंपलसरी है। और 7 डेज़ की कंपलसरी इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग भी करनी होगी। मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर एक वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम बात करते हैं फाइनल कोर्स की। फाइनल कोर्स में भी 8 सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 13 कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंस, पेपर 14 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 15 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, पेपर 16 डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, पेपर 17 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर 18 इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, पेपर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, पेपर 20 स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स में पास होने के लिए आपको ईच पेपर में 40% और एग्रीगेट 50% मार्क्स लाने होंगे। इफ कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है बट किसी पेपर में उसके 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो उसे वो पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। फाइनल में रजिस्ट्रेशन करने की फ़ी 17,000 रुपीज़ है। फाइनल क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसे हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, जिसकी फ़ीस 4,000 है। ये ट्रेनिंग 15 डेज की होती है। इंस्टीट्यूट के रीजनल काउंसिल से कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, जैसे कि अंबुजा सीमेंट, बाटा इंडिया, BSNL, कोल इंडिया, ICICI बैंक, सिप्ला, ITC लिमिटेड, KPMG, नेस्ले, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेल, टाटा मोटर्स, विप्रो एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी कंपनीज आती है। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ वर्क। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स प्रोवाइड सर्विसेज इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, प्रॉफिट प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसके साथ ही इंस्टीट्यूट के बहुत से मेंबर्स टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पर हैं, जैसे कि चेयरमैन, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, मार्केटिंग मैनेजर, चीफ इंटरनल ऑडिटर्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं स्कोप फॉर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट, स्टॉक कॉन्करेंट एंड ड्यू डिलीजेंस ऑडिट ऑफ वेरियस बैंक्स, टैक्स कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवाइजर टू एन इश्यू एक्सेट्रा। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।